ऑल राइट सो यार, कल मैंने चैनल के ऊपर में कम्युनिटी पोस्ट किया था और बच्चों से पूछा था कि बताओ कितने बच्चों को पता है कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ। ठीक है, मैं कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ। अभी मैं कॉलेज में नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र है 25 साल। ठीक है, तो आज से 3 साल पहले मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था अपने थर्ड ईयर में। ठीक है, तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता, लेकिन मैं 2019 में ही जो है कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था। तो मैंने बच्चों से पूछा था, आप लोग बताओ कौन से कॉलेज से मैं हूँ। तो मैंने ऑप्शंस दिया था, IIT मंडी का, NIT दुर्गापुर का, जादवपुर यूनिवर्सिटी का, NIT त्रिची का। तो देख के अच्छा नहीं लगा, सिर्फ 75% बच्चों को पता है। ठीक है, सिर्फ 75% बच्चों को ये पता है कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ। यार देखो, आप लोग अगर मेरे साथ में कनेक्टेड हो, है ना, मेरे वीडियोस को देखते हो, तो आपको थोड़ा बहुत हमारे अपने टीचर के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। और यार हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है ये चीज, हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है ना, वहां पर ही लिखा हुआ है मेरे बारे में, राइट, एज ऑफ टुडे लिखा हुआ है। हो सकता है 10 साल बाद लिखने की जरूरत ना पड़े, तो अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है हमारे बारे में। सो NIT त्रिची से यार मैंने पढ़ाई करी है और थर्ड ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था, क्योंकि मुझे आगे जॉब नहीं करना था, मेरा इंजीनियरिंग में पैशन बिल्कुल भी आगे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना था, मेरे को क्रिएटिव वर्ल्ड में जाना था। यूट्यूब मैंने कर लिया था, मेरी एक्चुअली जॉब भी लग गई थी सेकेंड ईयर में जब मैं था, तब मेरी जॉब लग गई थी। ठीक है ना, तो सेकेंड ईयर में मेरी जॉब लग गई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लग गई थी, फिर मेरे को बिजनेस करना था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे, कोटा जाके अपनी कोचिंग खोली, लॉकडाउन के बाद में वो बंद हुआ। ठीक है, और अभी फुल टाइम यूट्यूब पे डेडिकेटेड है, आप सब तक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, सो मतलब ड्रॉप वाली जर्नी का भी और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर में ये डिस्कस करने वाले हाउ आई गॉट इनटू NIT त्रिची, कि भाई NIT त्रिची, ठीक है, NIT त्रिची मैं पहुंचा कैसे, जो आप लोगों को हेल्प करेगी। अभी जो भी बच्चे अभी 12th में है ना, जिनका अभी सेकंड अटेम्प्ट सामने है, वो किस तरीके से NIT त्रिची पहुंच सकते हैं, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, आप सारे बच्चे मेरे साथ में कनेक्टेड हो तो ये स्टोरी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सबसे पहले मैंने JEE का एग्जाम दिया था, JEE 2016, ठीक है, JEE मेन 2016 मैंने दिया था। इसके अंदर में जब मैं था ना, तो हुआ ये था कि मुझसे सिर्फ 50-60 नंबर का पेपर सॉल्व हुआ था। ठीक है, 50-60 मार्क्स का पेपर मेरे से सॉल्व हुआ था, सिर्फ उतना ही मेरे से सॉल्व हुआ था। अब मैं बहुत ज्यादा नर्वस, एंग्जाइटी, जो भी सारी चीजें होती है एग्जाम में, वो मेरे को हुई, और मेरे को ये समझ आ गया कि 60 मार्क्स में मैं NIT तो नहीं पहुंचने वाला, ये मेरे को क्लियर कट हो गया था। तो मैंने क्या करा, जो मेरे बचे हुए पेपर थे, उस टाइम 360 नंबर का होता था, तो मैंने जो बचे हुए पेपर थे वो सारे तुक्के मार दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था कुछ होने वाला है नहीं 60 में, ये चीज मेरे को बहुत क्लैरिटी थी। तो मैंने तुक्के मार दिए थे, तुक्का मतलब ऐसे फील करके कि इसका ये होगा, इसका शायद ये होगा, इसका शायद ये होगा, इस तरीके से एकदम आंख बंद करके नहीं, थोड़ा थोड़ा फील करके। जब रिजल्ट आया ना, तो कट ऑफ था 100 नंबर, 100 नंबर का कट ऑफ था, और मेरा पता है स्कोर क्या आया, 110, और मेरा JEE मेन का कट ऑफ क्लियर हो गया था। फिर मैंने JEE एडवांस दिया, JEE एडवांस में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। फिर JEE 2017 दिया, ड्रॉप किया, कोटा गया, कोटा जाके मेरी सिचुएशन एकदम वैसे ही जैसे होती है ना, डिस्ट्रैक्टेड बच्चे की, हर तरीके का उल्टे पुल्टे चीजें करने वाले बच्चे की, वैसा मेरा हालत हो गया था कोटा के अंदर में। सो कोटा में मैंने एक्चुअली पढ़ाई में उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया, और चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया। तो मेरा जो स्कोर आता था 2017 के एग्जाम के जस्ट 1-2 महीने पहले, वो मेरा स्कोर आता था 100 नंबर, 110 नंबर, बस इतना ही आता था, उससे ऊपर नहीं गया था। एक साल और पढ़ने के बाद भी 100, 110 कभी उससे ऊपर नहीं आता था। यहां पे मेरे को क्लिक हुआ, मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने 60 के बाद में अटेम्प्ट मार दिया था और मेरा 110 पहुंच गया था, तो मैंने सोचा यार मेरा स्कोर 100 110 में अटक रहा है, तो क्यों ना मैं मॉक टेस्ट दूं। मैंने मॉक टेस्ट दिया और मैंने बाकी के पेपर अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए, और उस जर्नी में मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हो, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीख चुके, एक्चुअल में बहुत बच्चे सीख चुके, सब्सक्राइब 1 लाख प्लस बच्चों ने किया है। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं, इसके 500 प्लस एपिसोड यूट्यूब के अंदर में अपलोडेड, अब तो 600 होने वाले हैं, ठीक है, और इसका एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी कम से कम तो भी 4-5 हजार बच्चे एनरोल कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। इस साल भी हजारों स्टूडेंट्स एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं कोर्स के अंदर में। हमारा ये सेकंड ईयर है जहां हम लोग कोर्सेज जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक्सक्लूसिव कोर्सेज आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा, आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं, कुछ आप स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट है जो अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आए हैं, किस तरीके से बच्चों ने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स से अपने स्कोर को इम्प्रूव किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते ही
70-80 नंबर 100 नंबर लेकर के आए हैं, कट ऑफ क्लियर किए हैं, 80% percentile लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चे किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट किए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेसिस पे। मैं आपको स्क्रीन पे बच्चों के रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ कुछ, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल्ड थे इस साल के, और इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि सेकंड अटेम्प्ट में आप भी कर सकते हो अच्छा, ठीक है। जो कोर्स हमारा है जेई मेन का, वो सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, और उसमें और भी लेक्चर्स ऐड अप होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी उसके अंदर में जो है ऐड अप होंगे। तो आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना बताऊंगा बाद में, फिलहाल पहले मैं स्टोरी को कंप्लीट करता हूं। सो 2017 में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, और मॉक टेस्ट के अंदर में मैं पहले 100 110 120 इतना मैं सॉल्व करता था, उतना ही कर पाता था, पोटेंशियल उतना ही था, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को तुक्का लगाता था, राइट। यहां पर मैंने अपने तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ानी शुरू करी। मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, मेरे बनाए हुए सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मेरे दिमाग से आते थे कि क्वेश्चन अगर सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे हम जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने करनी शुरू करी, और मेरा स्कोर भी जो है 170-180 इस रेंज में पहुंचने लगा। मेरे कुछ अच्छे अच्छे स्टडी टेक्निक्स भी थे, जो सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में डिस्कस करी हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैंने उस टाइम पे बनाए, और लास्ट के एक दो महीना में मैंने कम टाइम में बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करी, ठीक है। और फिर प्रिपरेशन करके मेरा जो स्कोर है वो 130 के रेंज में जाने लगा, ठीक है, 100 से 130 के रेंज में जाने लगा। दिखने में बहुत कम होता है, लेकिन वो 30 नंबर का इंप्रूवमेंट भी अच्छी खासी लगती है उसमें भी, ठीक है। आसान उतना भी आसान नहीं है कि एकदम हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जेई मेन के अंदर में मुझे याद है मेरे को जितना सॉल्व हुआ था ना, उतने में अगर मैं छोड़ देता पेपर तो मेरा स्कोर आता कुछ 134 के आसपास, ठीक है। मैंने शायद 156 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था, अटेम्प्ट किया था खुद से बिना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, मतलब कि 39 क्वेश्चंस, उसमें से कैलकुलेट वगैरह करा था मैंने घर आके कि उतने में से कितना आया, तो मेरा 134 के आसपास का स्कोर आता। फाइनल स्कोर पता है मेरा कितना आया? फाइनल स्कोर मेरा आया 175। बूम, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाए थे, वहां से 30-40 नंबर जो है बूस्ट हुआ। और इसकी पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी घर से मैं करके गया था कैसे क्या होगा, ऐसा नहीं कि उस दिन वहां पे हुआ, घर से जो कोर्स के अंदर मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं वो सारी चीजें मैं खुद महसूस किया हूँ, खुद किया हूँ। तो मेरी जो रैंक आई यहाँ पे 175 पे, वो मेरी रैंक बनी 15,207, 15,207 मेरी AIR बनी। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे परसेंटाइल में तो डेट विल बी अराउंड 98-99 के बीच का, समवेयर अराउंड डेट। सो ये परसेंटाइल मेरी बनी ट्रिक्स के वजह से बूस्ट करके, वरना मैं NIT त्रिची में नहीं पहुंचता। सो इसीलिए जर्नी बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको अटेम्प्ट करे, पूरे जितने बचे हुए क्वेश्चंस थे सबको अटेम्प्ट करा। उस टाइम पे न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता था, सिर्फ सिंगल करेक्ट होता था, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये आपने तो कर लिया, आप हमें कैसे सिखाओगे? सिखा रहे हैं तभी तो इतने सारे बच्चे सीख लिए, आप लोगों की बारी अभी सीखने की। आप लोग दो तरीके से सीख सकते हो। पहले अगर आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आप लोग जो फ्री प्लेलिस्ट है ना YouTube की, फ्री प्लेलिस्ट उसको आप लोग देखो, उसमें अभी लगभग 600 के ऊपर एपिसोड्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके आप अगर 15-20 एपिसोड्स देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। एक बार आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, आप पेड कोर्स के अंदर में आ जाओ। पेड कोर्स से आपको फायदा ये होगा कि आपका एक तो माइंडसेट डेवलप होगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आप सीखोगे, 10-12 घंटे के अंदर का कोर्स है ये, तो आप पूरे सिस्टमैटिक वे में इसको सीख लोगे। YouTube पे बहुत एपिसोड्स देखोगे तब क्लैरिटी होगी, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें मिलेंगी, और साथ में लेटेस्ट पेपर्स इसके अंदर में कवर होते हैं। YouTube के अंदर में पुराने पेपर्स, कोर्स के अंदर में लेटेस्ट पेपर्स, ठीक है, कवर होंगे। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के भी पेपर्स कवर होंगे, लास्ट एक दो साल के पेपर, और फुल पेपर ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे। एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से करना है, मैं एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से किया था, उसकी फील, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, ठीक है। जेई 2023 का, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, जेई मेन 2023 का जो हमारे पास में कोर्स है वो है 2499 का, ठीक है, 2499 का हमारे पास में कोर्स है, जिसमें कुछ दिन और ऑफर बचे हैं। कोर्स आपको 1999 में अवेलेबल है, और साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री मिल जाएगा। 2023 के कोर्स के साथ में 2022 का फ्री कोर्स मिल जाएगा पूरा, जिसकी वर्थ थी 1500 रुपीज कॉम्बो कोर्स। ये एक्चुअली तीन कोर्स है, एक कोर्स नहीं है, तीन कोर्स का कॉम्बिनेशन है। तो वो जो 2022 का कॉम्बो कोर्स था वो आपको फ्री मिल जाएगा, उसकी वर्थ 1500 रुपीज है, और ये हमारे पास में 2499 का कोर्स, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस क्या है बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करो, जाके अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करो, ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर जो डिटेल्स आपसे पूछेगा उसमें कोई मिस्टेक मत करना, बाद में चेंज नहीं होगा, और बस पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दो, उसके बाद में रिलैक्स करो, हमारी टीम आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर देंगी,
कोई भी अगर आपके क्वेरी होता है, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोर्स एनरोल करने के बाद में आपको वीडियोस नहीं मिले, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए बेफिक्र रहो, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगी। आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, एंड जो भी आपके क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो कोर्स एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रस्टेड एकदम है, हजारों बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, प्रॉपर आपको मेल के अंदर में रिसिप्ट आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी, आप प्रॉपरली इसके अंदर में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे मोड्स है पेमेंट करने के, आप जाके जो भी कन्वीनियंट मोड है आपका, यूपीआई हो गया, ठीक है, आपका नेट बैंकिंग हो गया, कार्ड से करना चाहो, अलग अलग मेथड्स है उसके अंदर में, आप कर सकते हो। ठीक है ना, सो यही है यार, ये मेरी जर्नी आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मिस ना कर दे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं बाद में, क्योंकि एग्जाम के पहले क्या होता है ना, एक रात पहले मेरे वीडियोस पूरे वायरल होते हैं और फिर वहां पे हजारों लाखों बच्चों तक यूट्यूब हमारे वीडियोस को पहुंचाता है क्योंकि वो तुक्का ट्रिक सर्च करते हैं, तो लास्ट में बच्चों को पता चलता है मेरे बारे में, फिर वो रिग्रेट करते हैं, अरे पहले क्यों नहीं पता चला। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दिया मेरी जर्नी, इसलिए मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट भी किया था ताकि आप सब मेरे बारे में थोड़ा सा और अवेयर हो पाओ, इंस्पायर हो पाओ, और आप भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है पहुंच पाओ। ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप इंप्रूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है और हजारों स्टूडेंट्स को जिनको मैंने ट्रेन किया है उसका एक्सपीरियंस जो मेरे को मिला है, उसके बलबूते मैं ये बात आपको बोल पा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।